Hello everyone, my name is Riddhi and today is 5th March 2020. So, आज की इस वीडियो में हम आज के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्लास जस्ट वन थिंग कि जो ये हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है ये सिनॉप्सिस स्पेशल कोर्सेज का पार्ट है. जिन लोगों ने प्रीलिम्स ऑप्शनल और टेस्ट सीरीज ली हुई हैं तीनों का ये पार्ट है. जिन लोगों ने प्रीलिम्स और ऑप्शनल लिया है उनके लिए ये है कि नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस. लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ. एंड जस्ट वन मोर थिंग कि हिंदी ट्रांसलेशन इन सभी फाइल्स में ठीक कर दिया गया है. ऑलराइट, तो पहला टॉपिक है हमारा अल्टियम बैटरी टेक्नोलॉजी. तो अब क्या है कि अल्टियम बैटरी टेक्नोलॉजी बेसिकली इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के द्वारा जो है ये यूज़ होता है. इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए यूज़ होता है. प्रोपल्शन सिस्टम ये होता क्या है, एक प्रोपेलेंट होता है जिसको एक्सेलरेट करने के लिए इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल मींस की ज़रूरत पड़ती है. तो एक इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के लिए ये जनरल मोटर्स की नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है उसके लिए यूज़ किया जाएगा. अल्टियम सेल्स जो है वो न्यू NCMA मींस निकल कोबाल्ट मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम केमिस्ट्री जो है उसको यूज़ करेंगे. और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं. एक तो सबसे पहला ये है कि जो रेयर कोबाल्ट है उसका अमाउंट जो है कि कितने अमाउंट में वो यूज़ होता है उसको आप 70% से आप कम कर देते हो. इसमें तो 70% कम यूज़ हो रहा है रेयर कोबाल्ट का अमाउंट. देन न्यू एल्यूमिनियम कैथोड जो है वो यूज़ होगा इसमें. ये पाउच बैटरी सेल है. जनरली क्या होता है, जो भी हम अभी जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो है EV बैटरी पैक्स यूज़ करते हैं, जिसमें जो कि सॉलिड रिजिड बैटरी सेल्स होते हैं. तो अब जो है ये पाउच बैटरी सेल यूज़ होंगे जो कि स्पेस एफिशिएंट होते हैं और अलग अलग वेज में जो है इनको पैकेज भी किया जा सकता है. साथ ही साथ ये एग्जांपल क्या है इसका, GM शेप्ड इन लॉन्ग फ्लैट प्लांट्स. तो यहाँ पर ये पिक्चर बनी हुई है तो आप देख सकते हो ये. नेक्स्ट इज व्हाई डू वुमेन लिव लॉन्गर देन मेन. तो ये हमेशा डिबेट रहती है कि वुमेन जो है वो ज़्यादा क्यों जीती है मेन्स के कंपैरेटिवली. तो बेसिकली ये सेक्स क्रोमोसोम एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करते हैं. तो अनगार्डेड हाइपोथेसिस है इसमें सेक्स क्रोमोसोम की. फीमेल जो होते हैं देखो उनमें जो है दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. जो मेल होते हैं उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है. अगर फीमेल्स का ये जो दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं इनमें से एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो डैमेज हो जाता है तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसका प्लेस ले लेता है. बट ऑन दी अदर हैंड मेल में क्या होता है कि अगर उनका एक्स क्रोमोसोम डैमेज हो जाए तो उनका कोई भी और एक्स क्रोमोसोम नहीं है जो उनकी प्लेस ले सकता है. अब क्रोमोसोम्स होते क्या हैं, अब आपको पता है हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल्स से बनी होती है. अब ये जो सेल्स होते हैं हर एक सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है. इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है. अब क्रोमोसोम्स के भी 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एक ह्यूमन सेल के अंदर. पर उनमें से एक पेयर जो होता है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मैंने आपको बताया फीमेल होता है तो उसमें दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल होता है तो उसमें एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है. अब क्या होता है, क्रोमोसोम बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारी जो जीन्स होती है उसको होल्ड करके रखते हैं. और जीन्स से हमें बेसिकली पता लगता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसके फिजिकल ट्रेट्स किस तरीके के होंगे. जैसे आप कहते हो कि आप अपने पेरेंट्स पे गए हो, पेरेंट्स में किस पे गए हो, ठीक है. तो वो सब चीज़ें जो है वो इसी से ही पता लगती हैं हमें. तो जैसे आपकी आई शेप क्या है, ब्लड टाइप क्या है, आपका सेक्स क्या है, तो ये सब चीज़ें पता लग सकती हैं हमें. ऑल राइट, देन नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट क्वाशेस RBI बैन ऑन वर्चुअल करेंसीज. तो अब क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, RBI का बेसिकली एक ऑर्डर आया था जिसमें RBI ने कहा था कि अब वर्चुअल करेंसी जो है उस पर पूरा बैन कर दिया था RBI ने, कि आप वर्चुअल करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते. अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि RBI का जो बैन था वो गलत है और आप अब ट्रेड कर सकते हो. पर अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन जो है वो लिफ्ट ज़रूर कर दिया है कि अब आप ये वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस में ट्रेड कर सकते हो. ज़्यादा हम इसमें स्पेशल लेक्चर में पढ़ लेंगे. बट इसमें इश्यूज़ क्या हैं कि इसमें कोई अच्छे से मेंशन नहीं किया गया कि लेंडर जो है वो अभी इन तीनों चीज़ों में ट्रेड कर सकेंगे या नहीं कर पाएंगे अभी. और ये जो ऑर्डर है वो सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ देगा, तो परमानेंटली नहीं है. क्योंकि गवर्नमेंट का जो ड्राफ्ट लॉ प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंगली तो प्राइवेट करेंसीज को बैन ही किया गया. तो ओके, नेक्स्ट इज उत्तराखंड. तो उत्तराखंड की जैसे आपको पता ही है कि टेम्परेरी कैपिटल है देहरादून. बट अब नई जो है एक समर कैपिटल जो है उत्तराखंड ने इंट्रोड्यूस की है. तो नई समर कैपिटल उत्तराखंड की है गैरसैंण, जो कि एक तहसील है
चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि एक रीजनल बैलेंस जो है उसकी तरह ये काम करेगा, क्योंकि ये जो हिली रीजन है, देखो उत्तराखंड में दो एक कल्चरल रीजन्स हैं, कुमाऊँ एंड गढ़वाल, तो ये जो दोनों हिली रीजन्स के बॉर्डर पे आता है ये गैरसैंण, ये जो नई समर कैपिटल है, तो बहुत टाइम से उत्तराखंड स्टेट फॉर्मेशन मूवमेंट की ये डिमांड थी, तो अब ये बन गई है। देहरादून जो है वो टेम्परेरी कैपिटल है। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक मर्जेस गेट अप्रूवल फ्रॉम कैबिनेट। तो अब जो है 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो है कंसोलिडेट करके उनका मर्जर करके 4 कर दिया गया है, कुछ को मर्ज किया गया है, कुछ को एसिमिलेट कर दिया गया है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन कौन से। नेक्स्ट इज मेघालय नेज। अब मेघालय नेज न्यूज़ में क्यों था कि मेघालय में बेसिकली एक नया फेस्टिवल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है मेघालय नेज नाम करके, क्योंकि टूरिज्म को और बढ़ावा देता है और कल्चर को, मेघालय के कल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। अब मेघालय नेज जो है जियोलॉजिस्ट ने ये क्लासीफाई किया था कि जो लास्ट 4500 ईयर्स है उसको मेघालय नेज कहेंगे, जो कि सबसे रीसेंट है, जो कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उस पर सबसे रीसेंट आती है। तो क्या हुआ है, अब जो हमारी जो अर्थ की हिस्ट्री है, जो उसकी क्रोनोलॉजी है, तो जो इंटरनेशनल क्रोनोस्टैटिग्राफी चार्ट है उसको वापस से अपडेट किया गया है, ठीक है। तो इसको, ये जो टाइमलाइन है उसको नया तरीके से इसको अपडेट कर दिया गया है। तो अब जो है मेघालय नेज थी क्या, जो ड्रॉट और कूलिंग है जो कि लास्ट 2 सेंचुरीज में हुई है, 2 सेंचुरीज तक ये लास्ट की गई थी, और जिसने कल्चरल एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटीज जो है, जो कि ICH के बाद डेवलप हुई थी, उनको इम्पैक्ट किया था। तो बेसिकली मेघालय नेज जो आती है वो आती ही ICH के बाद है, ICH के बाद सीनोजोइक एरा आ जाता है, तो ये सीनोजोइक एरा के का पार्ट आ जाता है। तो इससे क्या हुआ था, जैसे कि बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट, ग्रीस, सीरिया, पैलेस्टीन एंड मेसोपोटामिया, इंडस वैली, यांगजे रिवर वैली, इनका कोलैप्स हो गया था। तो ये एज जो है वो उसको यूनिक कंसिडर किया जाता है, और एक अकेली ऐसी एज है जो कि एक ग्लोबल कल्चरल इवेंट के साथ शुरू हुई थी और एक ग्लोबल क्लाइमेटिक इवेंट के द्वारा ये प्रोड्यूस की गई थी। तो अब जो होलोसीन एपॉक है, तो होलोसीन एपॉक मतलब कि जो आइस एज के बाद का टाइम है उसका नया क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, सीनोजोइक एरा इसको कहा जाता है। तो जैसे ग्रीनलैंडियन एज की अगर हम बात करते हैं, तो जब लास्ट आइस एज एंड हुई थी और ग्लोबल वार्मिंग हुई थी तब का टाइम है ये ग्रीनलैंडियन एज। अब ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो अब कूलिंग आ जाएगी, तो अब जब कूलिंग शुरू हो गई तो नॉर्थ ग्रिपियन एज शुरू हो गई। नॉर्थ ग्रिपियन एज के बाद जब ये अजीब सा ड्रॉट और कूलिंग वाला जो पूरा फेज आया उसको अब कहा जाता है मेघालय नेज, और आज भी ये चल रहा है मेघालय नेज। नेक्स्ट इज टू स्टेट सोल्यूशन फॉर इसराइल एंड पैलेस्टीन, इंडिया सपोर्ट्स इट। तो अब ये टू स्टेट सोल्यूशन है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में। बेसिकली पैलेस्टीन ने कहा है कि जो इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो जो इश्यूज हो चलते रहते हैं, तो इंडिया ने अपना बहुत अच्छा बैलेंस दोनों के बीच में मेंटेन करके रखा हुआ है और दोनों को ही सपोर्ट करता आ रहा है टाइम टू टाइम। तो इंडिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, उनको और बेटर बनाने के लिए। नेक्स्ट, मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि अलग से क्लास में डिस्कस कर लिए जाएंगे। तो जैसे सबसे पहला है USA तालिबान डील, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अब। एंड नेक्स्ट इज क्रिप्टो करेंसी, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अब आज की न्यूज़ में आ गया। USA तालिबान डील जो है वो कुछ दिनों से चल ही रहा है न्यूज़ में। तो ये है कि पीस टॉक्स जो है वो तो हो ही रही थी, अब USA ने तालिबान पे फिर से अटैक कर दिया। तो एनीवे, ये USA तालिबान की जो डील है उस पर और देखेंगे इंडिया पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है इसका, तो ये सब चीज़ें भी देखी जाएंगी अब, ठीक है। एंड इसके बाद है किरण पसी एन IAS ऑफिसर इन झारखंड। तो अब बेसिकली क्या हुआ है, किरण पसी जो है ये एक IAS ऑफिसर है, इन्होंने अपना जो चाइल्ड, इनकी जो डिलीवरी हुई है वो एक गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुई है। तो ये माना जा रहा है कि एक स्टेप है कि आपका जो गवर्नमेंट रन मेडिकल हॉस्पिटल्स है, अब कहा जाता है कि मेडिकल गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल जितने भी होते हैं ये तो कुछ खास होते नहीं है, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं और इतने अच्छे नहीं होते, तो प्राइवेट में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पर ये एक चेंजिंग एटीट्यूड जो है उसकी तरफ एक लिया गया स्टेप है कि भाई गवर्नमेंट रन मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो इतने बुरे नहीं है। तो जो ग्रेट अमेरिकन मिडिल क्लास है, इट वॉज फाउंडेड ऑन अ रॉबस्ट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी ये करंट अफेयर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।